बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पंजाबी समोसा बनाने की रेसिपी दूंगी। और रमजान में अफतारी के हवाले से हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपने दस्तरखान को नई नई और अच्छी चीजों के साथ सजाएं। तो पंजाबी समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका आटा तैयार करने के लिए चाहिए होगा मैदा 500 ग्राम या आधा किलो, घी 2 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून और अजवाइन 1 टीस्पून। और पंजाबी समोसे का आटा गूंदने का एक खास ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पंजाबी समोसे का आप अच्छा क्रस्ट बना सकते हैं। और इसकी फिलिंग के लिए आलूओं को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उबाल लीजिएगा। और ये 500 ग्राम उबले हुए आलू चाहिए होंगे और उबले हुए मटर 1 कप और प्याज बारीक स्लाइसिस में कटी हुई 1 अदद, ताजा हरा धनिया 1/2 कप, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक हसबे जायका, हल्दी 1/2 टीस्पून, साबुत जीरा 1 टेबलस्पून, ताजा लीमू का जूस 4 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, तेल 5 टेबलस्पून और लहसुन अदरक पिसा हुआ 1 टेबलस्पून चाहिए होगा। सबसे पहले आप घी को हल्का सा गर्म कर लें। और जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाए तो आप इसमें 1/2 कप पानी डाल दें। और साथ ही इसमें नमक और अजवाइन डाल दें और इसको मिलाकर चूल्हे से उतार लें। और यही इसकी खास टेक्निक है। इसके साथ समोसे का क्रस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। और अब इसके साथ मैं समोसे का सख्त डो तैयार कर लूंगी। और थोड़ा सा पानी डालकर आप इसका सख्त डो तैयार कर लें। और इस तरह से सख्त डो तैयार करने के बाद आप इसे कवर करके साइड पे रख दें। और समोसों की फिलिंग के लिए सबसे पहले आप तेल गर्म कर लें और इसमें आप प्याज डालकर हल्की सी ब्राउन कर लें। और जैसे ही प्याज हल्के से ब्राउन होने लगे तो आप इसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन डाल दें और इसे भी थोड़ा सा भून लें। अदरक लहसुन को थोड़ा सा भूनने के बाद आप इसमें उबले हुए आलू और मटर डाल दें। और इन्हें अच्छी तरह से मिला लें। और साथ ही आप इसमें सारे मसाले डाल दें, साबुत सफेद जीरा, नींबू का रस, हल्दी पाउडर, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला और इसे थोड़ा सा भून लें। थोड़ा सा भूनने के बाद आप इसमें ताजा हरा धनिया डाल दें और अच्छी तरह से मिला लें। समोसों की फिलिंग तैयार है। अब इसे आप चूल्हे से उतार लें और ठंडा कर लें। फिलिंग ठंडी होने के बाद आप समोसों के ढो के छोटे छोटे पेड़े बना लें और लंबाई के रुख बेल लें। लंबाई के रुख बेलने के बाद आप इस तरह दरमियान से काट लें।
फिर आप एक पट्टी को हाथ में लें और इस तरह से पानी लगाएं और हाथ में रखकर इस तरह से आप बंद कर दें। और इस तरह बंद करने के बाद अंदर आप फिलिंग भर दें। फिलिंग भरने के बाद आप फिर से पानी लगाएं और इस तरह से आप बंद कर दें। और इसी तरह से आप सारे समोसे तैयार कर लें। सारे समोसों को फिल करने के बाद आप तेल गरम कर लीजिए और इन समोसों को इसमें फ्राई कर लीजिए। इसी तरह से आप सारे समोसे तल लें। लीजिए पंजाबी समोसा तैयार है, जरूर बनाइएगा। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीसे पाक इस तरह से है, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, जो इन्हें याद कर लेगा वो जन्नत में जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।